हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, अनुष्का रावत व्लॉग। तो आज का वीडियो जो है, मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, छोटी सी वीडियो है अनुष्का के पापा की। फ़ोन पे पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर करूँ। तो दोस्तों, जो वीडियो है ना, वो 2020 की है, जब हमारे यहाँ गृह प्रवेश हुआ था। तो हमारा गृह प्रवेश हुआ था जनवरी में, और वीडियो है ये अप्रैल की लास्ट वीडियो है अनुष्का के पापा की। मतलब हम उनकी इतनी आदत नहीं थी ना फोटो खींचने की, ना वीडियो बनाने की, बिल्कुल भी नहीं थी उनकी आदत। बहुत हिम्मत करके मैंने मतलब सोचा कि मैं डाल दूँ इसको यूट्यूब पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं बहुत मतलब उस वीडियो को देखती हूँ बार बार, अनुष्का की पापा की आवाज़ सुनाई देती है, बार बार सुनने का मन करता है, ऐसा लगता है। तो अनुष्का के पापा 2020 में हम यहाँ आए थे, और 2021 में उनको कोरोना हुआ था। तो कोरोना के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब हमने घर में भी रखा, सब कुछ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में जाओ, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उनको बहुत ज़्यादा, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा था। तो मई के महीने जो दूसरी लहर आई कोरोना की, उस टाइम उनको ठीक थे, वो गांव भी गए गाड़ी लेके, खुद हॉस्पिटल गए। ये सोचा नहीं था हमने कि वो नहीं आएंगे वापस घर, क्योंकि इतने स्ट्रांग थे वो, क्या बोलूँ मैं। तो उनको कोरोना हुआ था, हम सबको हुआ, हम ठीक हो गए थे, उन्हीं को हुआ इतना ज़्यादा कि वो ठीक ही नहीं हुए। और 11 मई को सुबह, नहीं रात के टाइम, डॉक्टर ने बोला बस। मैं तो घर आ गई थी, और ये सब सुनाने का मन भी नहीं कर रहा ना, वो बातें याद करने का, ऐसा लग रहा है ये सब झूठ है, सब बेकार है। उस टाइम जब हम हॉस्पिटल जाते थे ना, ऐसा लगता था कि ठीक होंगे, वापस आएंगे। ठीक नहीं हुए वो, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। तो मैं छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ उनकी। उनको कोरोना हुआ था, कोरोना की वजह से ही वो हमारे बीच नहीं है। तो अब उनकी यादें हैं, बस सिर्फ यादें हैं। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो को भी उनकी कोई वीडियो है नहीं हमारे पास, तो ये लल्ली के फ़ोन पे थी, उसने मेरे को भेजी। मैं रोज़ इसी वीडियो को देखती रहती हूँ। उस समय गब्बू सिर्फ 4 साल की थी 2020 में, ये 2023 लग गया है। नाश्ता करने का टाइम नहीं होता, घर बच्चों को देखो, बाहर देखो, हर चीज़। बच्चों के सामने मैं रो नहीं सकती, इमोशनल नहीं हो सकती, उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। दिखाई मैंने वो वाली वीडियो, बोली मैं इतनी छोटी थी, और पापा बार बार देख रही थी वो वीडियो भी। बस मैं यही बताना चाहती थी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अनुष्का के पापा को क्या हुआ, जो हमारा ब्लॉग देखते होंगे। बस उनको कोरोना हुआ था, और कुछ तकलीफ नहीं थी उनको, बिल्कुल ठीक थे वो। कोरोना के टाइम गाँव गए बच्चों को लेके, एक हफ्ता पहले गांव में रहे, स्कूल उस समय कोविड था तो लॉकडाउन लगा हुआ था। दूसरा जब दूसरा कोरोना आया तो वो सीधा दिल्ली से घर आ गए थे, और यहाँ से सीधा गांव चले गए थे, और गांव से इतना सीरियस होके आए कि 2 दिन रहे कमरे में, तीसरे दिन एम्स में हमें उनको ले जाना ही पड़ा, इतना सीरियस हो गए थे वो। एक हफ्ता एम्स में रहे, सब कुछ ठीक था, डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। अब लगता है क्यों ले गए होंगे हम उनको, घर में ही रखते, क्या पता ठीक हो जाते। देख रही थी, नकल बहुत जल्दी करती हूँ। सच्ची कर रहे लगे।
गबू बैठे थोड़ा सा मजूरी और भी स्टाइल दिखा रहे चार जीत रखे हैं। बस हम तो आज ले जाएंगे। ओके।